गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज कुमार टटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, आपको बीएससी पार्ट सेकंड का मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड पढ़ाई थी। यूनिट फर्स्ट में हमने रियल नंबर सिस्टम एंड सीक्वेंस, इन दोनों को पढ़ा। यूनिट सेकंड में हमने इनफाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज की अभिसारिता एवं अपसारिता बताने वाले जो टेस्ट थे उनके बारे में जाना। आज हम पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस की थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसका पहला लेक्चर आज होने को है। यूनिट थर्ड है हमारी वास्तविक संख्याओं का प्रारंभिक स्थितिक एवं गणनीय समुच्चय, दैट इज टोपोलॉजिकल प्रीलिमिनरीज ऑफ रियल नंबर्स एंड काउंटेबल सेट्स। इसके अंतर्गत हम वास्तविक संख्याओं के कुछ टोपोलॉजिकल प्रीलिमिनरीज को पढ़ेंगे। इस पूरी बुक में हम रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ाई करते हैं, रियल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो उन प्रॉपर्टीज़ में हमने रियल नंबर सिस्टम में भी पढ़ा और अब उसको थोड़ा आगे ले जाते हुए इसकी टोपोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं इंटरवल, अंतराल। कि यदि ए एवं बी दो वास्तविक संख्याएं हैं और बी ए से बड़ा है, तो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय कैपिटल ए, जो कि इस प्रकार है कि इसमें ऐसे एक्स आएंगे जो ए और बी के मध्य में है या ए और बी के बराबर है, को बड़े कोष्टक में ए कॉमा बी हम लिखते हैं और इस प्रतीक द्वारा निरूपित करते हैं, तथा इसे संवृत अंतराल या क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। अर्थात सेट ए विच हैज ए एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी और इक्वल टू ए एंड बी इज सेट टू बी क्लोज सेट ऑफ ए कोमा बी। यदि बी बराबर हमारे पास में इस प्रकार का सेट है कि इस सेट के अंदर ऐसे एक्स आते हैं जो ए और बी से छोटे हैं, बी के अंदर ऐसे एलिमेंट आते हैं जो ए और बी से छोटे हैं, सॉरी ए से बड़ा है एवं बी से छोटे, यानी ए और बी के मध्य में स्थित आने वाले सभी बिंदु, तो वास्तविक संख्याओं के इस समुच्चय को छोटे कोष्टक में ए कोमा बी प्रतीक द्वारा निरूपित करते हैं, तथा इसे विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल कहते हैं। एवं यदि सी इस प्रकार का उपसमुच्चय है, इस प्रकार का समुच्चय है जिसमें ऐसे एक्स आए जो ए से बड़े हो या बराबर हो लेकिन बी से छोटे हो, तो वास्तविक संख्याओं के इस समुच्चय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, ए की तरफ हमारे बड़ा ब्रैकेट और बी की तरफ छोटा ब्रैकेट। और इसी प्रकार उपसमुच्चय डी है, इसमें ऐसे एक्स आएंगे जो
ए से तो बड़े हैं लेकिन बी से छोटे या बी के बराबर हैं, तब इनको हम दोनों समुच्चयों को अर्धविवृत अथवा अर्ध संवृत अंतराल कहते हैं, क्योंकि एक तरफ ये विवृत है और एक तरफ ये संवृत है, तो इसे अर्धविवृत अंतराल या अर्ध संवृत अंतराल कहते हैं। सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। इसके आगे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वास्तविक संख्या का प्रतिवेश। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज द नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर। इसके अंतर्गत माना ए हमारे पास कोई वास्तविक संख्या है तथा एप्सिलॉन एक स्थिर धनात्मक संख्या है, तो ओपन इंटरवल या विवृत अंतराल ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन को ए का एप्सिलॉन प्रतिवेश कहते हैं। इसे हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, एन सबस्क्रिप्ट में एप्सिलॉन और फिर ए से व्यक्त करते हैं, अर्थात ए का एप्सिलॉन प्रतिवेश उन वास्तविक संख्याओं एक्स का समुच्चय है जो कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन को संतुष्ट करते हैं, अर्थात एन एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन कोमा ए प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। पुनः समुच्चय ए आर का सबसेट है, बिंदु ए का प्रतिवेश कहलाता है यदि एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो विद्यमान हो, ताकि एन एप्सिलॉन ए इज ए सबसेट ऑफ ए हो। अतः ए को अंतर्विष्ट करने वाला प्रत्येक विवृत अंतराल ए का प्रतिवेश होता है। इसके आगे यदि किसी बिंदु के प्रतिवेश में से स्वयं बिंदु को ही हटा दिया जाए तो वह प्रतिवेश बिंदु का निष्काशित प्रतिवेश कहलाता है या डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कहलाता है। जैसे विवृत अंतराल ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन माइनस ए, इसमें से स्वयं बिंदु को ही अगर हम हटा दें माइनस ए, तो ये है जो हमारे पास में डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट होगा या प्रतिवेश बिंदु का निष्काशित प्रतिवेश कहलाएगा। अब इस यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने योग्य है, उसमें पहली बात है एक अरिक्त सीमित समुच्चय का एक अरिक्त सीमित समुच्चय किसी बिंदु का प्रतिवेश नहीं होता, अर्थात सीमित जो समुच्चय होता है वह किसी भी बिंदु का प्रतिवेश नहीं होता, क्योंकि प्रतिवेश में हमारे पास में अनंत अवयव आते हैं। दूसरा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n इसके किसी भी बिंदु का प्रतिवेश नहीं होता है, क्योंकि कोई भी विवृत अंतराल n का उपसमुच्चय नहीं होता है। इसके आगे समुच्चय का सीमा बिंदु, समुच्चय के सीमा बिंदु की परिभाषा जानने के लिए माना कि ए आर का उपसमुच्चय है, वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय का सीमा बिंदु कहलाती है या कहलाता है यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अल्फा के अलावा ए का कम से कम एक बिंदु अवश्य विद्यमान हो, अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए विवृत अंतराल ए माइनस एप्सिलॉन कोमा ए प्लस एप्सिलॉन में
अल्फा के अलावा ए का कम से कम एक बिंदु अवश्य विद्यमान हो। यहाँ पर एक्सक्यूज मी, यह अल्फा है और यहाँ विवृत अंतराल में ए दिया हुआ है, तो इसको भी हम अल्फा लिखेंगे या अल्फा पढ़ेंगे। अर्थात हमारे पास में कोई भी वास्तविक संख्या अल्फा है वह किसी समुच्चय का सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के प्रत्येक समीप्य यानी अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन में अल्फा के अलावा ए का कम से कम एक बिंदु अवश्य विद्यमान हो। बिंदु अल्फा समुच्चय ए का अवयव होना आवश्यक नहीं है, अर्थात अल्फा के प्रतिवेश में ए के अनंत बिंदु विद्यमान हो। अगर अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय ए के अनंत बिंदु विद्यमान है तब हम कहते हैं कि अल्फा समुच्चय का सीमा बिंदु है या लिमिट पॉइंट है। जैसे परिभाषा सेकंड अगर हम देखें कि एक वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय ए का सीमा बिंदु होगा यदि अल्फा के प्रतिवेश अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में ए का एक बिंदु बीटा नॉट इक्वल टू अल्फा हो, अर्थात अल्फा माइनस एक्साई कॉम अल्फा प्लस एक्साई इंटरसेक्शन ए माइनस अल्फा डज नॉट इक्वल टू फाई। यहाँ पर ये फाई होगा अल्फा की जगह। दोनों परिभाषाएं समतुल्य है। समुच्चय के सीमा बिंदु को क्लस्टर पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ भी कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली कि सीमित समुच्चय का सीमा बिंदु नहीं होता। दूसरा समुच्चय ए का सीमा बिंदु ए में हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तीसरी बात एक समुच्चय के अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं। फोर्थ फाई एन तथा जेड के सीमा बिंदु नहीं होते। एवं फिफ्थ सघनता प्रगुण से प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू का सीमा बिंदु होता है। इसके आगे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये कई बार एग्जाम में आती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वाल्जरो वाइस्टाइस प्रमेय। इसको हमने अनुक्रम में भी पढ़ा था, वहाँ हमने इसको अनुक्रम के लिए पढ़ा था, वाल्जरो वाइस्टाइस थ्योरम फॉर सीक्वेंस। यहाँ हम पढ़ेंगे वाल्जरो वाइस्टाइस थ्योरम फॉर सेट। इसका स्टेटमेंट है प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास में वापस में स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ, प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का यानी असीमित हो एवं परिबद्ध हो अगर वह समुच्चय है तो इसका एक सीमा बिंदु अवश्य होगा। देखिए इसको किस प्रकार प्रूफ करते हैं हम। इसको प्रूफ में माना कि एस आर का एक असीमित परिबद्ध समुच्चय है। एस आर का अपरिमित परिबद्ध उपसमुच्चय है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यदि एस परिबद्ध है तो हमारे पास में दो रियल नंबर्स इस प्रकार होंगे स्मॉल के और कैपिटल के कि एक्स लाइज बिटवीन के एंड के और इक्वल टू स्मॉल के और कैपिटल के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। दिस इम्प्लाइज एस इज ए सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल स्मॉल के कॉमा के। नंबर सेकंड माना कि कैपिटल ए एक इस प्रकार का सेट है यानी ऐसे एक्स का सेट है ऐसे रियल नंबर्स का सेट है कि एक्स एस के अधिक से अधिक असीमित अवयवों से बड़ा है। नंबर थर्ड चूंकि स्मॉल के इज लेस देन क्यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू एस दिस इम्प्लाइज स्मॉल के एस के किसी अवयव से बड़ा नहीं है। This implies k belongs to a and a does not equal to phi। अर्थात हमारे पास में a जो है उसमें कोई ना कोई अवयव होगा।
पुनः किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए k प्लस एप्सिलॉन k से बड़ा ही होता है, तो k प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन k एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू u फॉर एवरी u बिलोंग्स टू s. दिस इम्प्लाइज k प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू a, कॉमा k डज नॉट बिलोंग्स टू a फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, कॉमा x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल k. इट मीन्स कि जो a है ये ऊपर की ओर से बाउंडेड है, यानी परिबद्ध है, यानी x के सारे अवयव इज लेस देन इक्वल लेस देन कैपिटल k है, तो k ऊपर से परिबद्ध होगा. फलतः कैपिटल A R का ऊपर से परिबद्ध अरिक्त समुच्चय है. फलतः A का उच्चक अल्फा R में विद्यमान होगा. अब हम सिद्ध करेंगे कि अल्फा इसका सीमा बिंदु है. अब चूंकि माना अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन अल्फा का प्रतिवेश है, जहां एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. अब अल्फा एक उच्चक है, इट इम्प्लाइज किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक ऐसा एक्स बिलोंग्स टू ए विद्यमान होगा कि एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन. अब एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स एस के सीमित अवयव से बड़ा है. दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस एप्सिलॉन एस के कुछ सीमित अवयवों से ही बड़ा है. दिस इम्प्लाइज एस के केवल परिमित या सीमित अवयव अल्फा माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट हैंड साइड में है. सो एस के अनंत अवयव अल्फा माइनस एप्सिलॉन के राइट साइड में होंगे, दक्षिण पक्ष में होंगे. अब चूंकि अल्फा ए का उच्चक है, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू ए. इट मींस एस के अनंत अवयवों से अल्फा प्लस एप्सिलॉन बड़ा है. दिस इम्प्लाइज एस के अनंत अवयव अल्फा प्लस एप्सिलॉन के वाम पक्ष में है, या इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दिया हमने, और एस के अनंत अवयव अल्फा माइनस एप्सिलॉन के दक्षिण पक्ष में है, इसको हमने नंबर वन नाम दिया. तो नंबर वन एंड टू से हम ये कह सकते हैं कि जो सामीप्य है अल्फा माइनस एप्सिलॉन कोमा अल्फा प्लस एप्सिलॉन में एस के अनंत अवयव हैं, और जब एस में एस के अनंत अवयव इसके प्रतिवेश में है, अतः अल्फा एस का सीमा बिंदु होगा. तो इस प्रकार कोई भी अपरिमित एवं परिबद्ध उपसमुच्चय होता है या समुच्चय होता है, उसका कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे. थैंक यू.